हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजन और आप देख रहे हैं इंडियन ग्लैमर। तो गाइस, आज की वीडियो मॉर्निंग रूटीन के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, ये सिंपल से मेरी मॉर्निंग रूटीन है। तो गाइस, मैंने अभी कुछ नहीं, बस 10 बजे का मैं अलार्म लगा देती हूँ, बिकॉज रात को बहुत लेट हो जाता है मुझे सोने, इसलिए 10 बजे उठती हूँ। उठते के साथ मैं हैंड को रफ करके अपने आईज पे लगाती हूँ, बिकॉज आँखों को थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेती हूँ, ताकि जो आँख है एकदम ऐसा खुला खुला लगे। तो गाइस, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सिंपल सी रूटीन है। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आया, प्लीज कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को भी ऑल पे क्लिक। तो गाइस, यहाँ पे मैं उठ जाती हूँ, और जो भी अपना ये बिस्तारा है और जो भी आप इसे कहते हो, तो इसको मैं अच्छे से घड़ी करके रख देती हूँ, बिकॉज़ उठते के साथ सबसे पहले काम आपको यही करना चाहिए, तो ही आपका दिन अच्छा जाता है। मेरा तो यही कहना है, कभी भी आप उठते हो तो आपका बिस्तर आपको पहले समेटना चाहिए, ताकि आपको फील हो जाए कि आप उठ चुके हो। तो गाइस, आपको फिर से याद दिला दो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। बहुत सारे कमेंट के बाद मैंने ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो गाइज़, उठते के साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ग्लास फुल पानी भर के नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी मैं एक ग्लास पी जाती हूँ, बिकॉज रात भर आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं उठते के साथ एक ग्लास फुल वाटर पी जाती हूँ। और गाइस, पूरा पानी पीने के बाद सबसे मेन जो जिससे मुझे राहत नहीं मिलती जब तक मैं मेरे बाल ना बना डालूँ, गाइस उठते के साथ पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर बनाती हूँ, बिकॉज जब तक मैं हेयर को अच्छे से कॉम नहीं कर लेती हूँ, मुझे जो आंग एकदम ताज़ा ताज़ा लगता ही नहीं है। इसलिए गाइज, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने बाल बना लेती हूँ। जो आप बोल रहे थे कि आपका हेयर का मॉर्निंग रूटीन बनाओ, तो मैं नहीं बना पाऊँगी, बिकॉज कुछ नहीं, उठते के साथ बस मैं हेयर कॉम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि संडे को मैं क्या मेरे हेयर का केयर करती हूँ, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। चाहिए तो ये मेरी नॉर्मल सी मॉर्निंग रूटीन है। गाइज, उठते के साथ आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके हेयर को कॉम करना ही चाहिए, बिकॉज रात भर आपके बाल जो है वो थोड़े उलझ जाते हैं, फिर अगर आप बहुत लेट अगर उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं, और उसको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। इसलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हूँ अपने हेयर को कॉम कर लेती हूँ, और गाइज इसका बन बना देती हूँ जब तक मेरे सारी काम नहीं हो जाते। और रात को भी मैं सोते समय एकदम ढीला बन बनाती हूँ, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि बन बनाने से हेयर फॉल होता है। हाँ, पर मैं ढीला बनाती हूँ, अगर टाइट आप अगर हेयर बनाएंगे तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होंगे। तो गाइज, एकदम सिंपल सी मेरी मॉर्निंग रूटीन है, कुछ बढ़ा चढ़ा के मैंने कुछ नहीं है, मेरा एकदम नॉर्मल सिंपल गर्ल हूँ मैं। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके ख्वाहिश पे ये वाली वीडियो बना डालूँ, इसलिए मैंने आखिर में ये वाली वीडियो बना ही दिया। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो, आपको ऐसा लग रहा हो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट बन बनाया, पर ये बहुत ही ढीला बन है, मेरे को खुद को फील होता है ये बहुत ज़्यादा ढीला मैं बनाती हूँ, बिकॉज मुझे भी दिक्कत ना हो और मेरे सारे काम भी हो जाए। तो गाइस, आज आपको लाइव रिजल्ट भी दिख जाएगा कि मेरे हेयर फॉल भी कितने होते हैं, क्योंकि मैंने एक भी सीन बीच में नहीं कट किया है हेयर कॉम करते वक्त। तो गाइस, आप मेरे कॉम में देख सकते हो कुछ हेयर ही नहीं है। तो गाइस, हेयर कॉम करने के बाद में यहाँ पे कर लेती हूँ ब्रश। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आम इंसान की तरह ब्रश करती हूँ मैं। तो गाइस, इसके बाद मैं कुल्ली कर लेती हूँ, मैं वो वाली वीडियो नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। तो गाइस, ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पे पीती हूँ एक कप चाय। एक कप भर के नहीं है, वो आधा कप है, मैं ज़्यादा चाय भी नहीं पीती हूँ, पर चाय डेली लगती है, चाय नहीं पीती हो तो मुझे सर दर्द होता है। ये बचपन से आदत लगा के रखा है मम्मी ने, तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो चाय पीती हूँ, यहाँ पे मैं मस्त इंजॉय करते करते चेयर पे बैठती हूँ, बाहर का नज़ारा देखते देखते मस्त चाय पीती हूँ। इसके बाद जो है मैं नहाने चली जाती हूँ, और आप जैसे कि देख सकते हो, नहाने के बाद मैंने अपने फुल कपड़े पहन लिए, क्योंकि मुझे जाना होता है टाइपिंग के क्लास में। तो इसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे पोहे खा रही हूँ, कांदा पोहे। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ जो भी होता है, और इसके बाद मैं घर का जो भी काम है वो मैं कर लेती हूँ, और
बैग उठा लेती हूँ और सीधा घर से बाहर निकल जाती हूँ। गाइस बस इतना ही है, बस नॉर्मल सिंपल रूटीन है यार, कोई ज़्यादा झंझट मारी की काम नहीं है। हाँ बस नहाने के बाद मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ, इसके बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है मैं धो लेती हूँ। अब कैसा लगता होगा, ये यूट्यूबर है यार, सबको काम करना पड़ता है गर्ल्स लोगों को। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ पोहे, और पोहे खाने के बाद मैं अपनी तैयारी तो करके रखी ही है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऐसे ही बन बना के मैं घर से भी बाहर निकलती हूँ। मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, साधारण सी लड़की हूँ मैं भी, मुझे बहुत कंटाला आता है हेयर स्टाइल बनाओ और बाहर जाओ। यही थी आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को भी ऑल पे क्लिक। और जैसा भी मेरा नष्ट होने के बाद अब मैं जाऊंगी टाइपिंग की क्लास। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।